आप देख रहे हैं YMS News 24। आइए देखते हैं आज की खबर। सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश से। स्वतंत्रता दिवस पर SSB के 43वीं वाहिनी ने ध्वजारोहण किया। SSB 43वीं वाहिनी सीमा चौकी बजहा एवं सभी सीमा चौकियों पर किया गया ध्वजारोहण। SSB 43वीं वाहिनी बजहा सीमा चौकी पर इंस्पेक्टर श्री कपिल देव ने झंडा फहराया। हवलदार सुशील पांडे, संजय सिंह, कांस्टेबल हेमंत मौजूद रहे। 43 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी अलीगढ़वा से डिप्टी कमांडेंट श्री मंगलम्मा ने ध्वजारोहण किया। कंपनी कमांडेंट वेत्सु लासु, राम सिंह, संगीता, लक्ष्मी सूर्यवंशी, शैली सचांत, देवेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। YMS न्यूज 24 से चंद्रभान यादव के साथ राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। भारतीय राष्ट्रीयता के महापर्व स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं सभी बल कर्मियों, भारत नेपाल एवं भारत भूटान सीमा पर रह रहे आमजनों को हार्दिक बधाई देता हूं। इस पावन अवसर पर मैं सर्वप्रथम बल के शहीद आरक्षी सामान्य मणिकंडन पी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बल ने अपने आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा एवं बंधुत्व के पथ पर चलते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। बल ने पिछले 57 वर्षों में अपने लंबे सफर में अपने कार्य क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। बल भारत नेपाल एवं भारत भूटान की सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ उग्रवाद प्रभावित राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तथा आतंकवाद प्रभावित जम्मू एवं कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। बल राष्ट्र विरोधी तत्वों पर पैनी नजर रखने के साथ साथ मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी एवं अन्य निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी को रोकने तथा आतंकवादियों व उग्रवादियों पर भी पैनी नजर रखे हुए हैं। बल ने आप सभी के प्रयासों से सफलता के और भी कई नए आयाम हासिल किए हैं। बल अपने सुरक्षा कार्यों के साथ साथ अपने संपूर्ण कार्य क्षेत्र की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ ही साथ अन्य विभिन्न विकास परक कार्यक्रमों जैसे मानव चिकित्सा शिविरों, पशु चिकित्सा शिविरों, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ग्रामीण छात्र छात्राओं के लिए शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम, हाउसकीपर सहकुल प्रशिक्षण एवं सामाजिक चेतना अभियानों इत्यादि का नियंत्रण आयोजन करता रहा है। इस अवसर पर मैं बल के कोरोना वॉरियर्स सहायक उप निरीक्षक सामान्य मनमोहन सिंह, मुख्य आरक्षी मुकेश सिंह, नायक गोपाल सेरा और आरक्षी अर्दली कमलेश कुमार को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वैश्विक महामारी के इस दौर में बल के कोरोना वॉरियर्स ने जिस तरह से लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा की है वह प्रशंसनीय है। बल वैश्विक महामारी कोरोना के समय में ज़रूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि सामानों के वितरण के साथ साथ उन्हें बीमारी से बचने के प्रति जागरूक कर रहा है। इसके साथ ही मैं सभी बल कर्मियों से यह कहना चाहता हूँ कि स्वयं को इस महामारी से सुरक्षित रखने के साथ साथ अपने परिवारजनों को भी इससे बचाव के उपायों के बारे में अधिकाधिक जानकारी दें। अंत में मैं आप सभी से यह आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर पूरी लगन और ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए सफलता के नए कीर्तिमान